पाल की, जय कन्हैया लाल की। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 3:50। आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे आज सुबह हम इतने जल्दी क्यों उठ गए हैं। एक्चुअली हम नहीं उठे हैं, मेरे साथ साथ नेहा भी उठी है। हेलो। और सुबह उठने का कारण है, आज है जन्माष्टमी और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग अच्छे से जन्माष्टमी सेलिब्रेट करें। तुम 19 को कर रही हो तो एक्चुअली नेहा आज जन्माष्टमी कर रही है तो हाँ, तो हम भी करते हैं लेकिन मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है तो हम इसलिए इस बार नहीं कर रहे हैं, तो इस बार नेहा ही कर रही है। और सुबह उठने का कारण ये है क्योंकि नेहा आज सुबह क्या कर रही है, क्या बोलते हैं इसको, सरगई। सरगई कुछ खा रही है क्योंकि ये फिर अभी के बाद से ना कुछ खाएगी ना कुछ पिएगी, मतलब अगले 12 बजे रात को खाएगी ना, जैसा कि 12 बजे रात को, मतलब पानी और फल खा। हाँ, 12 बजे रात को कृष्ण जी का जन्म, मतलब जन्म होगा तो नेहा खाएगी पूजा वूजा करके ना। तो अभी क्या खा रही हो, दिखाओ। तो बस हम थोड़ा सा, मतलब अगर खा पाएंगे तो खा लेंगे। खा क्यों ना पाओगे, खा ही लो क्योंकि फिर कुछ खाने के लिए मिलेगा नहीं ना, मतलब कुछ खा नहीं पाओगी तो खा ही लो, बेटर होगा। पानी पी लिए, सेब खा ली, चाय बनाई है तो खा लो जल्दी जल्दी। बार से फिर से हम जन्माष्टमी स्टार्ट कर रहे हैं तो छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन 11 हुई थी तो हम छोड़ दिए थे 2 साल के लिए और अभी फिर से स्टार्ट किए जन्माष्टमी। हाँ, क्योंकि अब 11 बड़ी हो गई ना तो ज़्यादा परेशान नहीं करती है, इसलिए मतलब बच्चा में तो बहुत ज़्यादा परेशान कर दी, अब तो खाने लग गई वो भी रोटी सब्जी, इसलिए थोड़ा सा तुमको आराम हो गया। गाइस, तो फिर अभी नेहा खा लेगी, उसके बाद फिर हम लोग सोने चल जाएंगे ना। नेहा फिर सोगी ना कि जगे रहोगी? ठीक है, हमको नहीं चाहिए, हद हो गया ना, तुम आ रहा है तुम खाओ ना। नहीं, तो हमको पहले कुल्ला करना होगा, हम तो ब्रश भी नहीं किया ऐसे बिना ब्रश के। हे गाइस, तो 4 बज गए हैं और हम लोग सोने के लिए अब फिर से जा रहे हैं। फैमिली, तो अभी हम उठ गए हैं सुबह, मतलब अभी नहीं उठे, हो गया आधा घंटा पहले ही उठ गए थे, नींद ही नहीं टूटा आज तो, बहुत लेट भी हो गया। और अभी हम खाना भी चढ़ा दिए हैं, मतलब इनके लिए और क्यारा के लिए सब खाना चढ़ा दिए, बस रोटी बनाना बाकी है। उसके बाद हम नहाएंगे और पूजा करेंगे तो आपको सारा कुछ दिखाएंगे, तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं। इनका नाश्ता निकाल के रखे हुए हैं, अभी ये सो रहे हैं क्योंकि रात में उठे थे तो उसके बाद सोए ही नहीं थे, नींद नहीं आया था। तो ये कद्दू क्यारा के लिए बनाए हैं और इनके लिए अभी सब्जी बना रहे हैं, पनीर, और मतलब इसमें पनीर भी डालना है, पनीर और झिंगली की, और रोटी बस बचा है, आटा सान के आंटी रख दी है आटा, बस रोटी बनाना है गरम गरम, और फिर आपको आगे दिखाएंगे पूजा का सारा तैयार। क्यारा खेल रही है अपने खिलौने से और इसको सजा रही है, और उल्टा रख रही हो क्यारा, तुम ऐसे रखते, देखो बताती है मम्मी, ऐसे 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 जा गिरा दी ऐसे, और इसको ऐसे करने वाला है, देखो डुई 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 जा। तो अभी क्यारा भी हेल्प कर रही है, ये थोड़ा सजा रहे हैं, कौन सा डिजाइन करेंगे अभी देखते हैं, आपको दिखाएंगे जरूर कैसे कैसे हैं, ये सजा रहे हैं हम लोग। तो अभी मेरा दुपट्टा यहाँ पे टंगा गया है, क्यारा मत खींचो बिट्टू मत खींचो, और ये अभी सजा रहे हैं यहाँ पे कृष्ण जी का। तो
कह रहा, तुम भी पकड़ो। पूरा सज जाएगा अच्छे से तो आपको आप फिर से दिखाएंगे। तो अभी ये लाइट का इंतजाम कर रहे हैं, लाइट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे लाइट भी जल गया है, वैसे पूरा रूम अंधेरा रहेगा तब आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चल रहा है। Hey guys, तो ये हमारे छोटे से कान्हा जी, जिसको नेहा अभी साफ करने वाली है ना नेहा। नींबू से, सरफ से पहले साफ करेंगे, नहलाएंगे तो पंचामृत से। इसके बाद क्या करोगी? इसके बाद इनको पंचामृत से नहलाएंगे, पहले पंचामृत बनाना है। मतलब रख करके या यहीं पे नहाओगे? यहीं पे नहाएंगे। अच्छा अच्छा। पंचामृत से नहाने के बाद मतलब दो जगह बनाना होगा, एक तो चढ़ाने के लिए, एक नहाने के लिए। क्या रहा, क्या कर रहे हैं भगवान जी को मम्मी? बम 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 बम। तुम भी करेगी? नहीं करा तुम कर लिया अभी? अच्छा नहाएगी। हाँ। अच्छा, तुम अगले साल से नहाना भगवान जी। पूरा साफ हो गए। तो भगवान जी साफ हो गए अब, और क्यारा नीचे में खेल रही है। नीचे खेल रही है तुम? क्यों, लेकिन ऊपर आओ। अब नेहा पंचामृत बनाने वाली है, और पंचामृत बनाने के लिए सारा तैयारी स्टार्ट कर रही है। ये क्या है नेहा? ये कच्चा दूध रखी है। और ये दोनों कच्चा दूध, हम दो पंचामृत बना रहे हैं। घी, तुलसी पत्ता, तुलसी पत्ता भी लेके आए हैं। पड़ेगा इसमें एक एक चम्मच और दही। दही और शहद। और शहद का पंचामृत बनाने, अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप लोग भी सीख लीजिए। बाप रे बाबा, सीख लीजिए, सबको आता होगा। गुड़ हो गया। देखो ना मम्मा प्रसाद बना रही है, प्रसाद ये सब मिला। हाँ प्रसाद। तो इसमें आप लोगों को पता है क्या क्या गया? दूध, दही, शहद, गुड़ और तुलसी पत्ता। तो इसको अच्छे से मिला। एक से तो नहाओगी ना? एक से तो भगवान जी को अभी नहाएंगे अच्छे से रगड़। और दूसरे से? दूसरे को चढ़ाएंगे पंचामृत। तो हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। अपना तो गद्दा कुर्सी से उधार के झूल रही है। तो यहाँ पे अब भगवान जी का नेहा क्या कर रही है? अब नहाएंगे पंचामृत। बोलो क्या रहा? हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया, जय कन्हैया। तो अब स्नान कर लिए हैं कन्हैया जी, ठाकुर जी भी बोलते ना, बहुत सारा नाम है, कन्हैया जी, कृष्ण जी, ठाकुर जी, मुरली बजैया, रास रसैया, और क्या बोलते हैं? शाम सलोना है तो आप गाना गाए। गाना नहीं गाए,
कान्हा 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 के तो कान्हा है। कान्हा भगवान जी है क्या रा? हाँ। बोलो कान्हा जी। कान्हा जी। बोलो कान्हा जी। कान्हा जी। अगले साल से क्यारा भी करेगी ना? अगले साल से क्यारा ही करेगी। क्यारा ही करेगी। गाइस तो जैसा कि आपने देखा कि आप नहा चुके हैं, आप तैयार करेंगे नेहा। कितना प्यारा सा मुकुट है, ये मुकुट है भगवान जी का। वाह 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 वाह। और ये छोटा सा बांसुरी, और ये क्या नेहा? ये माला। माला, ये भी इस माला बार हम अपने से नहीं खरीदे हैं, ये मम्मी ऑनलाइन मंगवाई थी। और ये कपड़ा तो, और ये सिंहासन। हाँ क्या बोली? अपने से नहीं खरीदे हैं, मतलब वहाँ पे इससे बड़ा कृष्ण जी है दुनिया में, तो मम्मी मंगवाई थी, ये छोटा हो गया कपड़ा तो हम ले आए। अच्छा वहाँ भगवान जी जो है उनको नहीं हुआ? नहीं, वो इतना बड़ा। हाँ वो तो हम देखे हैं, तो अभी कृष्ण जी को भी हम लोग कपड़ा पहनाएंगे। ये बड़ा ना हो जाए ना? नहीं ठीक है, हल्का सा बड़ा है लेकिन ठीक है। अभी कृष्ण जी कपड़ा पहन लिए हैं और अब तो अब हम इनको माला पहनाने वाले हैं। माला ये भी बांधने वाला है। बांध दो, बहुत सुंदर माला ना, कह रहा सुंदर है ना बेटा? नहीं, गुस्सा में क्या? कह रहा क्यों गुस्सा है तुम? मुंह क्यों छुपा रही है? क्यों गुस्सा है? कह रहा अरे 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 भाग गई। तो कृष्ण जी भी माला पहने, और ये वाला तो एक था मेरे पास तो वो भी पहना लिए, और ये नया है, ये भी नया है। ये क्या? बंसी, बांसुरी। बांसुरी लेगी? अच्छा रुको रुको, दे रहे हैं पहले भगवान जी को देंगे तब तुमको देंगे, ठीक? पहले वाला बांसुरी दे दो ना, वहाँ पे कह रहा हूँ। दे रहे हैं, दे रहे हैं। छोटा है क्या? कोई बात, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। वाह वाह कितना सुंदर लग रहा है ना। भगवान जी के लिए फल अभी चढ़ा दिए हैं, और ये पंचामृत जो कि बहुत जरूरी होता है चढ़ाना, और ये मिठाई, और अभी हम इन भगवान जी के लिए पूरी हलवा भी बनाएंगे, वो भी चढ़ाएंगे। अभी इतना ही, फिर पूरी हलवा शाम में बना के शाम का पूजा करेंगे, चढ़ाएंगे, आपको जरूर दिखाएंगे। अलेक्सा प्ले श्री कृष्ण आरती। प्ले आरती कुछ बिहारी की बाय अनुराधा पौडवाल फ्रॉम हंगामा म्यूजिक। नेहा का प्यारा भी आशीर्वाद ले रही है। अरे वाह, पूरा सष्टांग कर ली प्रणाम क्या रहा।